अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही इजी एंड क्विक ब्रेड डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। ये खाने में जितना टेस्टी है, इसे बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 2 कप दूध लेंगे और यहाँ पर हमने फुल क्रीम दूध लिया है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर एक उबाल आने देना है। तो जब तक दूध में उबाल आ रहा है, हम यहाँ पर एक बोल में 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और अब हमें यहाँ पर 1/4 कप दूध डाल देना है। तो यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे और इसे हमें खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें कॉर्नफ्लोर की कोई भी गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए। तो अभी हम इसे एक साइड में रख देते हैं और आ जाते हैं दूध की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। तो एक बार हमें इसे अच्छे से और चला लेना है और इसके बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया था, इसमें हमें डाल देना है और अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाया है। ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें मिठास के लिए 1/4 कप शक्कर डाल देंगे और इसे भी हमें 2 मिनट के लिए और पका लेना है। तो 2 मिनट पकते हुए हो चुका है। ये देखिए, इस तरह का इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इससे गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट डाल दिया है। इसे भी हम मिक्स कर देते हैं और इस मिक्सचर को हमें अब फ्रीज में रख देना है ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर अब हमें 3 से 4 ब्रेड के स्लाइस ले लेना है और इसके किनारों को हमें इस तरह से रिमूव कर देना है। इसके बाद हम ब्रेड के स्लाइसेज को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसे स्क्वायर पीसेज में कट किया है। आप चाहे तो इसे ट्रायंगल में भी कट कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ये देखिए, इस तरह से कट करके रख लीजिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर कंडेंस मिल्क लिया है, तो इसमें हमें इस तरह से अप्लाई कर देना है जनरल अमाउंट में। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और ये खाने में तो इतना टेस्टी होता है कि मत पूछिए। तो ये देखिए, दूसरे ब्रेड के स्लाइस से हमने इसे कवर कर दिया है। तो इसी तरह से बना करके पहले आप सारे तैयार कर लीजिए। इसके बाद एक प्लेट ले लीजिए या फिर कोई भी सर्विंग डिश ले लीजिए और इस तरह से अरेंज कर दीजिए। और इसके बाद हमें तैयार किया हुआ रबड़ी को डाल देना है। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और पहले से थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हमें इसके ऊपर अच्छे से पोर कर देना है। सारे ब्रेड के ऊपर अच्छे से आप इसे डालिएगा, जिससे ब्रेड के अंदर रबड़ी जो है अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। तो अब हम कुछ पिस्ते से इस तरह से गार्निश कर लेंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ केसर के धागे भी इसके ऊपर रख देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो इसे ज़रूर रखिएगा। इससे दिखने में इसका लुक बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से कितना डिलीशियस डिज़र्ट बन करके तैयार हो गया है। तो जब भी आपको कुछ अचानक से मीठा खाने का मन हो, या फिर आपके घर में अचानक से मेहमान आ गए हों, या फिर आपके बच्चे ज़िद कर रहे हों कुछ मीठा खाने का, तो आप इस डिज़र्ट की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।